أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا ये नमाज क्या है? नमाज क्या मेडिटेशन है? और कुरान कह रहा है कि इन सलात अतना अनिल फाशाए पर मुनकर, नमाज तो तुम्हें हर तुम्हारी हर चीज को, हर खराबी को खत्म कर देगी, नमाज रोक देगी। यानी कि नमाज पढ़ते हो तो तुम्हें रुकना चाहिए। और जिंदगी में लोगों की नहीं हो रही कमियां दूर नहीं हो रही। नमाज बहुत बड़ा एक मेडिटेशन, बहुत जबरदस्त, बड़ा पावरफुल। उसका ये पार्ट हमारे यहां से निकल गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि उसे ऐसे याद करना या बंदगी ऐसे करना, और उसी का हिस्सा ये हो गया कि नमाज ऐसे पढ़ना या ऐसे अदा करना, का अन्न का तरा, गोया जैसे कि तुम उसे देख रहे हो अल्लाह को। ये जो अल्फाज है का अन्न का, जैसे कि तुम, ये मेडिटेशन है। तुम्हें उसमें सारा तसव्वुर ये जमाना था नमाज में कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फिर फरमाया अगर तुम न कर सको ऐसा, मकसद ये था नहीं कर पाओगे, करना यही था, बिगिनर्स नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि वो जिसकी कोई शक्ल सूरत नहीं, देखने का तसव्वुर करेंगे कैसे? जिनको आपने देखा उन्हें तो देखने का तसव्वुर कर लें, जिसको किसी ने नहीं देखा उसे देखने का तसव्वुर कैसे करेंगे? और जब भी कुछ तसव्वुर करेंगे तो कोई ना कोई तो खाका आएगा, कोई ना कोई बाउंड्रीज और सीमाएं आएंगी, और अगर वो कोई सीमाएं और बाउंड्रीज और खाका आती है तो वो अल्लाह है नहीं, तो कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। यही फरमाया था उन्होंने कि तुम नहीं कर पाओगे, असल में करना है लेकिन तुम्हारे बस का नहीं है शुरू में। तो उन्होंने शुरू की प्रैक्टिस बताई थी, फिर उसके बाद तो कहां से शुरू करना तुम? यही प्रॉब्लम थी जो एंशिएंट जमाने में हिंदुओं के सामने आई थी। यहां भी जो नबी आए होंगे उन्होंने यही बताया होगा। सलात नमाज हर दीन के हर एडिशन में थी, हर नबी ने अपनी कौम को दी थी, और फिर यही बताया होगा हर नबी ने। यहां भी जो नबी आए होंगे उन्होंने यही बताया होगा। तो ये उसका बड़ा अहम हिस्सा है मेडिटेशन के, उस पर ध्यान केंद्रित करना है, उस पर तवज्जो, उसको देखने पर तवज्जो मरकूज करना है। वो इन्होंने ले ली, वो इनके यहां बाकी आज तक, वो आपके यहां से खत्म हो गई। अब ये भी साथ में था कि कर नहीं पाएंगे, ये बात इनके बड़े आज तक कहते हैं, वो है निराकार। लेकिन साधारण लोग ये फलसफा देते हैं, अवाम आम लोग निराकार का ध्यान नहीं कर पाएंगे। यही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, यहां तक की बात मुश्तरक कॉमन है कि अवाम नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे अवाम, तो इनके पुराने लोगों ने उसका एक सलूशन दिए, हल दिए। एक बिंदी रख लो, तवज्जो मरकूज करो पहले, इसकी मशक तो कर लो। एक पत्थर रख लो, तवज्जो मरकूज करने की मशक तो करो पहले, फिर तुम बाद को निराकार तक पहुंच जाओगे। मशक हो जाने के बाद, मुराकबे की मशक हो जाने के बाद निराकार बगैर गैर मुजस्सम के ऊपर भी कर पाओगे। यहां तक कि समस्या या प्रॉब्लम
ठीक थी, बिल्कुल वही थी जो नबी ने बताई हमें, उनको भी नबी ने उनके बताई होगी। समाधान गलत दे दिया, मसले का हल गलत दे दिया। ये जब किसी स्थूल चीज पर, किसी मादी चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित करने की मश्क कराई और कंसंट्रेट किया और मेडिटेशन किया, तो वो तो परमानेंट हो जाती, वो जाती नहीं फिर। और फिर उससे तस्वीरें बननी शुरू हुई और तरह तरह की शक्लें बननी शुरू हुई, जो बात को मूर्तियों की शक्ल में आ गई। अब वो हटती नहीं। तो अपनी जिंदगी में कहते फलसफा यही है कि शुरू यहां से करो वहां पहुंच जाओगे, फिर निराकार का करना बात को आ जाएगा। साकार से शुरू करो, यानी आकार से, मुजस्सम से शुरू करो, बात को गैर मुजस्सम की करने लगोगे। और अपने लाइफ टाइम में कोई नहीं कर पाता, कोई नहीं हट पाता उससे। जो बचपन से कर रहे हैं वो उसी में मर जाते हैं, बुढ़े होके वो उसी की करते रहते हैं। तो इर्तिका किसी का नहीं हुआ, तो वो तरीका गलत था, नबी ने तरीका बताया, करना क्या है। यहां तक की बात मुश्तरक थी, उन्होंने कहा तुम नहीं कर सकोगे। कहा अगर नहीं कर सको तो उन्होंने बताया कि फिर तुम मुराकबा इस पर करना, ध्यान इस पर केंद्रित करना, तुम्हारा मेडिटेशन ये हो कि वो यहां मौजूद है, ये मत सोचो कैसा है और तुम उसे देख रहे हो, तुम शुरू यहां से करो, वो तुम्हें देख रहा है। उसकी जात पर ध्यान मत दो, वरना कोई ना कोई तो शक्ल आ जाएगी, कोई ना कोई हद आ जाएगी, सीमाएं आ जाएंगी, खाका आ जाएगा। बस ये सोचो ही मत कैसा है, शुरू यहां से मत करो। शुरू के दिनों की मश्क और प्रैक्टिस ये है कि वो है यहां मौजूद, हमारे साथ है और वो हमें देख रहा है। इस जगह से स्टार्ट करना, नबी ने, पैगंबर ने हल ये दिया था। इससे बहुत कुछ होता है जिंदगी में, इस मेडिटेशन से। अब बशर्ते कि ये हो, हमारे यहां से ये गायब हो गया। हमारे यहां नमाज शुरू होती है अल्लाहुम्मा, अल्लाह अकबर, सुभानक अल्लाहुम्मा से। नमाज तो हुजूरी के तसव्वुर से शुरू होनी थी, और वो हुजूरी का तसव्वुर कि हम उसके सामने इस वक्त हाजिर हैं, ये तसव्वुर दिमाग में हाजिर रहना था एंड तक, इस वक्त उसके सामने है, वो देख रहा है हमें। ये नमाज के आखिर तक ये तसव्वुर बाकी रहना था। अब इस तसव्वुर वाला हिस्सा निकल, हमारे यहां से खत्म हो गया। पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं बताते कि नमाज ऐसे शुरू करनी थी, जब नमाज सिखाते हैं तो ये नहीं बताते। मदरसों में, दारुल उलूम में तलबा को नहीं सिखाया जाता। ये हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था बहुत छोटी उम्र से शुरू करना, 7 साल से नमाज। 7 साल उस वक्त के बच्चों को कहा था। मेंटल एज बढ़ गई आज, आज के आप 3 साल के बच्चों से करें शुरू, उस वक्त के जो 7 साल के थे। लेकिन क्यों कहा था 7 साल, वो तो नाबालिग हैं, शरीयत का कोई अमल नाबालिग पर फर्ज नहीं है। ये नहीं कहा था रोजे बचपन से रखवाना, शौक में रख लें, रख लेने रख ले रख लेते इक्का दुक्का, लेकिन फर्ज नहीं है उन पर। जब तक बच्चे बालिग नहीं हो जाए उनसे नमाज का हिसाब नहीं होगा, शरीयत के किसी अमल का हिसाब नहीं होगा। क्यों कहा था, सीखने को तो सीख लेंगे एक हफ्ते में, तो बालिग होने के साथ सीख लेते। फिर कहा फिर और बड़ा हो जाए तो सख्ती करना, ये भी असल में उस दौर के लिए था, आज मत कीजिएगा। उसूल ले लें, मकसद ये था कि वो तरीके इस्तेमाल करें जिससे आप उसे करना ही पड़े। उस वक्त अगर पिटाई करते थे तो मान लेता था, आज पिटाई करेंगे और बागी होगा, भगाना नहीं हमें। आगे और वो तरीके इस्तेमाल करिए जिससे लाजमी शुरू कर दे, पाबंद हो जाए। 10 साल का हो जाए तो मारो। तब 10 साल के बच्चे पे सख्ती शुरू हो गई और शरीयत फर्ज कर नहीं रही है। शरीयत तो बालिग होने के बाद फर्ज कर रही है, नाबालिग पे नमाज फर्ज नहीं है। और हुक्म ही दिया रहे थे मारो, और रोजे को नहीं कह रहे कि रोजे की मश्क कराना शुरू से। असल में बहुत मुश्किल, आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक हफ्ते में सिखा देंगे, नहीं सिखा सकते आप ही। 1 महीने में नहीं सीख सकते, आप कोशिश करेंगे तो। ये बहुत लंबी और बहुत मुश्किल प्रैक्टिस है, जो बहुत दिनों में हल्के हल्के करके बचपन से उसमें वो परफेक्ट हो जाता। जब वो
बालिग के होने की एज पे आया तो उसकी नमाज परफेक्ट होती, बहुत मुश्किल है वो। कुछ आप पढ़ रहे हैं तिलावत, उसका मतलब मालूम होना चाहिए, मतलब मालूम होना मुश्किल भी नहीं है दादा। इस उम्र तक आते आते जो आप में से हर एक की अलग अलग हैं, बचपन से आपने सीखी थी नमाज, आप में से ज्यादातर लोगों को चंद सूरतें याद है सूरह फातिहा के साथ में, बस कम हैं वो लोग जिन्हें कुरान का ज्यादा हिस्सा याद है। लोग छोटी छोटी सी चंद सूरतें जो हैं वो तीसवें पारे की आखिर की वो याद कर लेते हैं, पूरी जिंदगी उसी के साथ गुजर जाती है, अक्सरियत के साथ ऐसे ही है। अब बचा कितना नमाज में, अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द, सूरह फातिहा, अत्तहियात, और वो छोटी छोटी सी चार पांच सूरतें जितनी याद आम तौर से लोगों को होती हैं जो अपनी नमाजों में पढ़ते हैं। इसको 20 साल हो गए आपको, किसी को 30 साल हो गए, किसी को 40 साल हो गए, अभी तक माने नहीं मालूम। पूरे कुरान की बात अभी कहां हो रही है, इतने का तो शुरू से बताया जाता तो है, दो तीन महीने में मालूम भी याद हो जाता सब। तो जो बचपन से जो कुछ पढ़ते लगातार चले आ रहे हैं उतने का तो मीनिंग मालूम होना चाहिए, इतना हिस्सा तो कॉमन है। और हद ये कि आप जमात की नमाज जब पढ़ते हैं और इमाम उन सूरतों के साथ में सूरह फातिहा के साथ कुछ और सूरतें भी जोर से पढ़ लेता है, तो जोर से कितनी नमाजों में पढ़ता है, फजर में, मगरिब में और ईशा में, वो भी दो ही रकातों में, पहली दो रकातों में, जहां एक और सूरत की आवाज आती है वो आपको याद नहीं है बहुत से लोगों को जो इमाम ने पढ़ी, कुछ हिस्सा ऐसा पढ़ा, तो पूरी नमाज में बस उतना ही सा तो हिस्सा होगा जिसका मतलब नहीं आता होगा, बाकी तो सब कॉमन है जो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, सुभान रब्बी अलअज़ीम, सुभान रब्बी आला, तैयाद, रब्बना आतिना फिद दुनिया, दुरूद शरीफ, अल्लाहु अकबर, इसकी मीनिंग क्यों नहीं मालूम। जो 30 साल से पढ़ रहे हैं उसकी मीनिंग नहीं मालूम, अब वो थोड़ा सा है बहुत। तो इमाम साहब जो कुछ पढ़ते हैं किसी भी जगह से कुरान की किरत करते हैं वो तो बहुत छोटा सा हिस्सा है नमाज का, सिर्फ दो रकातों में, वो भी पांचों वक्त नहीं, बाकी तो सारा वो है जो आप बचपन से करते चले आ रहे हैं और उसके माने नहीं मालूम लोगों को, तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। इसको तो अभी से शुरू कर दीजिए, इसके माने हमें मालूम होने ही चाहिए, नमाज का मकसद ही पूरा नहीं होता। जो कुछ उसमें जबान से अदा हो रहा है या आपके कानों में पड़ रहा है उसका मीनिंग मालूम होना चाहिए, वरना कोई मकसद हल नहीं होता नमाज का। अब एक मेडिटेशन की हालत में है, वो मेडिटेशन कैसे शुरू हुआ था, हुजूरी का तसव्वुर, नियत बताई थी, यहां नियत ये रटाई जाती है, नियत करता हूं या नियत करती हूं दो रकात नमाज फजर फर्ज पीछे इस इमाम के मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के वास्ते अल्लाह ताला के अल्लाहु अकबर, या इस तरह की नियत रटाई जाती है, ये कोई नियत नहीं है, ये किसी जगह कहीं किसी हदीस में नहीं आई है इस तरह की कोई नियत जो बाकायदा रटा दी जाती है। अच्छा, ये सब बताएंगे आपको हर मसलक के उलमा के नियत का जबान से कहना जरूरी नहीं है, ये जो रटा दिया जाता है इसे जबान से नहीं कहें तो नियत दिल में सोचा तो हो गई, नियत का जबान से कहना जरूरी नहीं है। आप किसी आलिम से पूछ ली किसी भी मसलक के, नियत तो दिल से होती है। तो आप अगर जोहर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, चाहे घर पे पढ़ रहे हैं चाहे मस्जिद में जा रहे हैं, नियत तो हो गई कि जोहर का वक्त है, आपके दिल में है ही नहीं कि असर की पढ़ने जा रहे हैं, चार रकात पढ़ने जा रहे हैं आपके बिल्कुल भी दिल में ये नहीं कि तीन पढ़ देंगे, कहीं कहीं तीन ना पढ़ दें, कहीं दो ना पढ़ दें। जब सुन्नतें पढ़ ले होंगे तो पहले से मालूम है सुन्नत पढ़ने जा रहा हूं, जब फर्ज पढ़ेंगे तो पहले से मालूम है फर्ज पढ़ने जा रहा हूं, मस्जिद में है तो भी पहले से यह है कि हाँ इमाम के पीछे पढ़ रहा हूं, काबे की तरफ मुंह है, ये तो सारी चीजें वो हैं जो उसके खिलाफ तो कुछ आपके दिल में है ही नहीं,
तो नियत हो गई, वो हो गई, यानी वो नियत हो गई जिसे रटाया जाता है, उसकी जरूरत ही नहीं थी। नियत एक बताई गई थी, वो नियत लोगों को याद नहीं है। नियत का चूंकि जबान से कहना जरूरी नहीं है, इसलिए उसका तर्जुमा सुन लीजिए। मैं अरबी में भी बताता हूं, आप तर्जुमा सुन लीजिए, ट्रांसलेशन। उस वही बात दिल में आ जाए, नियत हो गई, याद भी कर लीजिएगा, लेकिन जब वो दिल में आ जाए, तर्जुमा आप सुन लें, वो दिल में आ जाए तो नियत हो गई। उस नियत में पूरे मेडिटेशन की ताकीद थी। इन्नी वजह तो वजहिया लिल्लदी फतरत समावाते वल अर्ज हनीफा, इन्नी वजह तो वजहिया लिल्लदी फतरत समावाते वल अर्ज हनीफा, मैंने अपने आप को सब तरफ से काट दिया, हर तरफ से काट कर अब उस जात की तरफ टोटल कंसंट्रेट कर दिया, उस जात की तरफ जो आसमानों और जमीन को वजूद में लाई। सबसे कटकर इस वक्त मैंने अपने आप को मुकम्मल उसकी तरफ यकसू कर दिया, आसमानों और जमीन को वजूद में लाई, बहुत बड़ी बात है, इसका भी ध्यान में रखिएगा तस्वुर। इस जमीन पे बहुत बड़े बड़े डेजर्ट हैं, सहरा हैं, वो डेजर्ट या रेगिस्तान इतने बड़े हैं, अब आजकल तो आले आ गए हैं रास्ता बताने वाले। अगर आपके पास वो नेविगेशन के आले न हो कोई, तो उन रेगिस्तानों के बारे में कहानियां ये हैं पुरानी, के जो एक दफा बीच में फंस गया फिर नहीं निकला, फिर खत्म हो गया, इसलिए कि चाहे जिधर हो चलते जा रहे हैं खत्म ही नहीं हो रहा। ये जो बड़े बड़े रेगिस्तान जिसमें से इंसान निकल ही नहीं पाता था, चाहे जब तक चलता रहे खत्म नहीं हो रहा। ये जमीन का बहुत जरा सा, बिल्कुल पूरी जमीन का तो बिल्कुल एक जर्रे के बराबर हिस्सा है, अरे एक मुल्क के बराबर भी नहीं है, एक बराबर जमीन तो बहुत बड़ी है, ये जमीन का बड़ा छोटा हिस्सा है, जमीन तो बहुत बड़ी है, खुश्की का बड़ा छोटा सा हिस्सा है, और खुश्की से तीन गुना पानी है, तो पूरी जमीन का तो, और वो जो पानी है उसके बारे में भी पुरानी बातें यही थी, पुरानी कहानियां। आज तो नेविगेशन के टूल्स हैं, अगर आज वो इंसान के पास ना हो तो पहले ये होता था कि समंदर वो चीज है जिसके अंदर एक बार इंसान गया तो नहीं निकल सकता, चलता रहे खत्म ही नहीं होता, मालूम ही नहीं किधर जाना है, कभी खत्म नहीं होगा, इतनी बड़ी चीज है। और ये समंदर और सहरा सारे मिलाकर ये जमीन है, तो वो जमीन इतनी बड़ी चीज है कि इंसान तो अगर एक रेगिस्तान में एक जर्रा ले उठा लें आप, इतना बड़ा भी नहीं इंसान, तो आप इतने बड़े भी नहीं इस जमीन पर। और ये जमीन जिस निजामे शमसी का हिस्सा है वो इतना बड़ा है, मैं इस वक्त उसकी तफसील नहीं ला रहा, वक्त लग जाएगा वरना वीडियोज भी दिखाता उसकी, वो इतना बड़ा है जिस निजामे शमसी, जिस सोलर सिस्टम का ये जमीन हिस्सा है, कि जैसे रेगिस्तान में एक जर्रा हो, ये जमीन इतनी बड़ी है उस निजाम शमसी और सोलर सिस्टम में, इतनी बड़ी भी नहीं बल्कि। और ये हमारा निजाम शमसी और सोलर सिस्टम पूरा, जिसकी जमीन, जिसमें एक जर्रा एक जमीन है, ये अपनी कहकशां के अंदर, अपनी गैलेक्सी के अंदर इतना बड़ा भी नहीं है ये निजाम शमसी, जैसे पूरे रेगिस्तान में एक जर्रा हो। और हमारी जो कहकशां है वो हमारी नॉन यूनिवर्स में अभी तक जितनी कायनात हमें पता चली है आसमान दुनिया की, उसके नोन और पता चलती जा रही है आगे, 10 अरब से ज्यादा कायनाते अब तक, 10 अरब से ज्यादा कहकशाएं अब तक पता चल चुकी हैं गैलेक्सीज। तो हमारी नॉन यूनिवर्स मालूम कायनात का वो इतना बड़ा भी नहीं है हमारी ये कहकशाएं, के जैसे रेगिस्तान में एक जर्रा हो। और नामालूम कायनात अभी पता नहीं कितनी है, जिसे हम कायनात कह रहे हैं पहले आसमान की हदों में, उसका कुछ पता ही नहीं है। और फिर इसके आगे 6 सिस्टम और हैं कुछ, जिन्हें 6 आसमान कहा गया, ये तो पहले आसमान की हद की बातें हो रही थी जहां इंसान अभी नहीं पहुंचा। हम उल्टे अगर चलें तो जितनी कायनात हमें भी पता है पहले आसमान की हदों के अंदर, उसमें हमारी कहकशां रेगिस्तान में एक जर्रे के बराबर भी नहीं है। और हमारी कहकशां में हमारा निदाम शमसी सोलर सिस्टम सौर्यमंडल रेगिस्तान में एक जर्रे के बराबर भी नहीं है। और हमारे सोलर सिस्टम या निदाम शमसी में सौर्यमंडल में हमारी जमीन इतनी बड़ी भी नहीं जैसे रेगिस्तान में एक जर्रा हो। और हमारी जमीन पर आपका वजूद, मेरा वजूद इतना बड़ा भी नहीं जैसे रेगिस्तान में एक जर्रा हो। तो इस पूरे कायनात का, इस पूरे सिस्टम का, और 7 आसमानों को बनाने वाला, ये तो इतने से हिस्से की बात हो रही थी पहले आसमान की हदों की,
जो उसको वजूद में लाया, बनाने वाला भी नहीं, कुछ नहीं था, और उसने खड़ा कर दिया, इस वक्त उसके सामने हूं मैं। अब ये है इसकी पूरी हकीकत इन अल्फाज की। इस वक्त इन्नी वजह तो वजिया लिल्लज़ी फतरा समावात वल्अर्ध हनीफा, मैंने इस वक्त अपने आप को सब तरफ से काट दिया, इस वक्त उस जात के आगे हूं मैं, और मैंने पूरे अपने आप को कंसंट्रेट और यकसू इस वक्त उस जात के आगे कर दिया है जो इतनी बड़ी कायनात को वजूद में लाया है। मेरी हैसियत क्या है, इस वक्त मैं उसके सामने हूं। सबसे कटकर ये लफ्ज हैं, वमा अना मिनल मुशरिकीन, इतना और है नियत में, वल्अर्ध हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूंगा, शिर्क करने वालों में से नहीं हूंगा, ये नहीं होंगी। यहां पर इस नियत का मतलब, इस नियत में इन अल्फाज का मतलब ये नहीं है कि मैं बुत नहीं पूजूंगा, यहां पे मतलब है कि अब मेरी नमाज में कोई और नहीं आएगा। सबसे कटकर आपकी तरफ मुतवज्जी हुई हूं मैं, मुतवज्जी हुआ हूं, अब मेरी इस नमाज में कोई भी आया तो नमाज का शिर्क हो गया, अब कोई नहीं आएगा। ये थी नमाज की नियत, इससे पहले तो अल्लाह अकबर की बात ही नहीं थी, और इसी नियत के साथ में हुजूरी का तसव्वुर स्टार्ट हो गया, ये हुजूरी की तसव्वुर की नियत थी। तो पहले तो ऐसे ही कि थोड़ी देर तो रुक जाइए, अल्लाह अकबर कहिए ही मत, आपको आंखें बंद करनी हो तो कर लीजिए, मना नहीं है, किसी फिका में मना नहीं है। अगर आप नींद की वजह से नहीं कर रहे, बल्कि अगर हुजूर कंसंट्रेशन की वजह से कर रहे हैं तो सब जायज़ है, सबने इजाज़त दी है। मैं तो अगर करने की ज़रूरत पड़ रही हो, किसी को लग रहा हो कि आसपास चीज़ें नज़र आने से तवज्जो बट रही है, तो थोड़ा सा शुरू में नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा तब जब तसव्वुर इतना हो जाए कि मैं इस वक्त उस ज़ात के सामने हूँ, तब कहिएगा अल्लाह अकबर, वरना नमाज तो शुरू भी नहीं होती और ख़त्म हो जाती है, स्टार्ट भी नहीं होती। ये नमाज की रूह थी। बाकी अल्लाह अकबर और झुकना और सजदे करना, ये नमाज का जिस्म था, वो भी ज़रूरी था, रूह भी ज़रूरी थी। रूह और जिस्म मिलती है तो कुछ बहुत कुछ वजूद में आता है, इंसान होता है, और रूह निकल जाती है तो जिस्म को क्या कहते हैं, लाश, डेड बॉडी। खाली रूह को भी इंसान नहीं कहते, लोग भूत कह के डरते हैं, और रूह नहीं होती तो डेड बॉडीज, लाशें, तो नमाज की लाशें रह गई। नमाज की लाशों का जिक्र किया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक हदीस में कहा था कि मसाजिदुहुम आमरा व खराबम मिनल हुदा, वो दौर आएगा मस्जिदें भर जाएंगी लेकिन हिदायत के खंडर होंगे, मस्जिदें भर जाने के बाद हिदायत के खंडर, इसलिए कि मस्जिदों में नमाजें नहीं हैं। अल्लाह के यहाँ क्या कबूल हो रहा है क्या नहीं कबूल हो रहा है, इसमें मेरा कोई दखल नहीं, मैं कोई फतवा नहीं, फैसला करने वाला तो वो है, लेकिन टेस्ट उसने दिया कुरान में, नमाज तुम्हें सारी बुराइयों से रोक देगी। अब 20 साल से पक्के नमाजी हैं, मोहल्ले वाले कह रहे हैं पांचों वक्त की पाबंदी से पढ़ते हैं, हम गवाह हैं, मस्जिद में पढ़ते हैं, झूठी गवाही भी दे रहे हैं, पड़ोसी को भी सता रहे हैं, मामलात भी ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं सुधरा, नमाजी पक्के हैं, कुरान कह रहा है कि नमाज रोक देती। अल्लाह का कलाम सच्चा है तो लोगों की गवाही झूठी है, लोगों की गवाही सच्ची है अगर तो नऊज़ बिल्ला, तो फिर अल्लाह के कलाम ने गलत बात कह दी, ये गलत नहीं कह सकता, तो लोगों की गवाही गलत थी कि पांचों वक्त की हम जानते हैं 20 साल से। टेस्ट तो खुद कुरान ने दे दिया है, होता कैसे है? जब किसी चीज की प्रैक्टिस और रियाज होता है, अभ्यास लगातार लगातार, ये दी 5 वक्त, फिर 5 वक्त में फर्ज के साथ कुछ और भी, फिर कुछ सुन्नतें, कुछ नफिल भी, कुछ वहां मस्जिद में, कुछ घर पर, आज कल, फिर उसके अगले दिन, फिर उसके अगले दिन, फिर उसके अगले दिन, फिर रोज 5 ही वक्त, मिनिमम 5, कुछ ज्यादा भी जिसका दिल चाहे कर ले। ये है रियाज, बहुत जबरदस्त। इस रियाज से ये होता है जैसे आपने बाइक चलाना सीखी कभी शुरू में, तो शुरू में बताया कि आपको कब एक्सेलेटर दें, कब ब्रेक्स लगाएं, कब क्लच दबाएं, कब किसी के आगे से निकालें, कब किसी के पीछे से, इसे ज्ञान कहते हैं, इल्म। ये इल्म दिया गया, इल्म दिमाग में स्टोर हुआ। अब एक चलाना सीख रहे हैं, अभी एक बच्चे ने सड़क क्रॉस की, आंखों ने देखा, रिपोर्ट किया, वहां से प्रोसेसिंग हुई कि यहां क्या करना था, क्या बताया था,
आगे से निकलने को बताया था या पीछे से, ब्रेक लगाने को बताया था, तेज करने को, जो कुछ वहां से जवाब आया ये करो, हाथ पांव ने अमल किया। ये बड़ी तेजी से प्रोसेस चलता है अंदर, लेकिन ये बड़ी तेजी से चलने में भी कुछ मामूली सा स्प्लिट सेकंड का वक्त लग जाता है, सेकंड के कुछ हिस्से का। अगर तेज चलाते हुए जा रहे हो तो मर जाएगा वो, जब तक फैसला आया उस वक्त तक किसी ने अगर सड़क क्रॉस की थी तो। इसलिए बड़ा सोच सोच कर चलाते हैं, क्या करना था, चाहिए करना था, पीछे से निकाली, आगे से निकाली, थोड़े दिन बाद मश्क हो जाती है। जब मश्क हो गई तो आप जा रहे हैं बड़ी तेज चलाते हुए, कुछ घर के बारे में सोच रहे थे, यानी दिमाग जो था कॉन्शियस माइंड शौरी दिमाग घर पर था, रोड पे था ही नहीं, और जा रहे हैं, आंखें यहां थी, दिमाग शौरी घर पर था, घर के बारे में कुछ बातें चल रही है। एक बच्चे ने सड़क क्रॉस की, आपने बड़ी महारत से या तो आगे से निकाला या पीछे से या ब्रेक लगाई या स्पीड दी, बिल्कुल सही डिसीजन लेते हुए निकल गए, अब भी घर के बारे में सोच रहे हैं, वो सोच चल रही है अपनी। अगर चंद कदम आगे आपको रोका जाए, पूछे कि अभी किसी को बचाया था, तो शायद याद भी नहीं हो उस वक्त कि किसी को बचाया, वो तो कर लिया था, सोचकर थोड़ी किया था, ये बगैर सोचे हुए कैसे करके चले गए। इसको ये प्रोसेस होता है अभ्यास से, रियाज, मश्क से। मश्क से ये होता है कि उस सिचुएशन की बहुत से अलग अलग सिचुएशन के टुकड़े बट जाते हैं, सैकड़ों हजारों कभी लाखों में डिफरेंट सिचुएशंस के अलग अलग पैकेट, अलग अलग सोल्यूशन, हल, वो शौरी दिमाग में नहीं, वो पीछे का एक हिस्सा है, वहां स्टोर होते हैं, उसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, तहतु शऊर, सबकॉन्शियस माइंड, उसका पता नहीं चलता हमें। बहुत पुरानी कोई याद आती है आपको, कभी कभी याद ही नहीं आ रही, बहुत दिनों से नहीं आ रही, अचानक आ गई, ठीक इसी हिस्से में जो आ गई, किसी वजह से आ गई, उसके कुछ हालात उससे मिलते जुलते आए तो आ गई, फिर वापस चली जाती है वही। वो सबकॉन्शियस माइंड में एक्स्ट्रा चीजें स्टोर रहती हैं, बरसों पुरानी रहती हैं। हमारी शौरी दिमाग की एक, जहां से फैसले चलते हैं हमारे सोचकर, इसकी एक कैपेसिटी है, ये जैसी ओवरफिल होती चीजें वहां पहुंच जाती हैं, या जो लगातार प्रैक्टिस चल रही, लगातार प्रैक्टिस चल रही, वो डायरेक्ट जाके वहां पर स्टोर हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड में, तहतु शऊर में, डायरेक्ट ऑर्डर आता है वहां से। उस अगर उससे सिचुएशन है प्रैक्टिस वाली चीजों में, जो प्रैक्टिस के नतीजे में जो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं, उसका शऊरी दिमाग को, उसका कॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं चलता, वहां से डायरेक्ट ऑर्डर आता है क्या करना है तुम्हें, वहां से ऑर्डर आया यहां तुम्हें यूं निकालना है, यहां ब्रेक देनी थी, यहां तेज जाना था, और शऊरी दिमाग, सोच समझ वाला कॉन्शियस माइंड, चेतन, ये तो घर पर था, घर के बारे में सोच रहा था, वहां से ये घर के बारे में सोचता रहा, वहां से ऑर्डर आया ये करके जाओ, और वो फैसले सही थे, स्पीड से करते हुए गए, और कुछ सोचा ही नहीं था कि इसे बचा रहे हम, और बचाते चले गए थे, हो रहा था प्रोसेस, जिसका दिमाग को पता नहीं चलता, शऊर को। जब बाइक चलाने की प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर नमाज की हुजूरी की कैफियत की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, शर्त यह कि रियाज किया हो, मश्क की हो उसकी, तो फिर वो कैफियत, उसके सामने लगातार हाजिर होने की कैफियत कायम हो जाती है। इसे यह है असल में सलात का कयाम, जो नमाज पढ़ने को नहीं कहा था, नमाज अदा करने को कहा था, आखिर में सलात, सलात कायम करना, अरबी में कायम करना उसे कहते हैं जिसका सिलसिला कभी ना टूटे, परमानेंट हो जाए, उसे कायम कहते हैं। अल्लाह का एक नाम कयूम है कायम, वो तो कभी खत्म ही नहीं होता उसका सिलसिला, असल नहीं मतलब कायम के ये थे, जो ओरिजिनल असल मतलब था, यानी कैफियत सलात, नमाज की कैफियत, द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ सलात, ये परमानेंट हो जाए। आप नमाज, आपने फजर की नमाज के बाद सलाम फेरा, नमाज टूट गई, कायम नहीं रही, अब जोहर में शुरू होगी, फिर टूट गई सलाम फेरने से। कैफियत सलात, ये स्पिरिट, ये रूह, वो सोच, वो कायम हो गई परमानेंट, सलाम, वो सलाम फेरने से नहीं गई, और सोच कर नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड में है वो, उसका एहसास नहीं है। अब हराम की कमाई का कोई मौका आया, डायरेक्ट वहां से ऑर्डर आया कि ये नीचे अल्लाह देख रहा है, मौजूद है, प्रैक्टिस इसी की थी ना, वो हमारे सामने है, हमें देख रहा है, इसकी प्रैक्टिस की थी, तो वहां से, यहां से ऑर्डर जाएगा और पता नहीं चलेगा अपने आप को, इस वक्त तो वो देख रहा है, तो फिर वो नहीं कर सकते।
अब झूठी गवाही का मौका है तो नहीं दे सकते, वहां से आया कि वो देख रहा है इस वक्त। अब मामलात में गड़बड़ नहीं कर सकते कि फिर वहां से ऑर्डर आएगा, सोचकर नहीं। अगर सोचकर किया कि ये तो बुरी बात है, झूठी गवाही नहीं दूंगा, अल्लाह रसूल की मर्जी की खिलाफ वर्जी, ये सीखने के दिनों की बातें, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर नहीं हुआ है, सोचकर जो चल रहा है तो कर ही नहीं सकता। वहां से हर वक्त ऑर्डर आ रहा है, पूरी जिंदगी बदल जाती है। यह है जिसे कुरान ने कहा था नमाज रोक देगी तुम्हें, यह है अपनी जिंदगी नहीं, बहुत बड़ी बात है नमाज, बहुत बड़ी चीज है। आखिरत की कामयाबी नहीं, इसी दुनिया की कामयाबी की जमानत है, इसी दुनिया की सक्सेस, अगर नमाज ठीक हो जाए तो। अब अपनी जिंदगी खाली नहीं, लोगों के लिए तो रहमत बन गया इंसान, जब अगर उसकी सलात ठीक हुई थी तो, नमाज की जब प्रैक्टिस हो चुकी तब, खुद अपने लिए उसने बहुत बड़ी कुछ चीज हासिल कर ली। आखिरत नहीं, इसी दुनिया के लिए, आखिरत की तो है ही, मैं उसको थोड़ा सा आगे दिखाता हूं आपको। ये बीच का हिस्सा मेरे पास और दूसरी चीजों में वक्त लगता, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसके उसके जो विजुअल इफेक्ट्स हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह की बंदगी ऐसे ध्यान के साथ करना जैसे तुम उसे देख रहे हो, और तुम अगर नहीं कर सको तो ध्यान इस पर केंद्रित करना, तवज्जो पूरी इस पर मरकूज करना कि वो तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे साथ है। जरा सा ये तसव्वुर कीजिए कि आप किसी वीरान जंगल में चले जा रहे हैं, जंगल ही जंगल है, दूर तक कोई आबादी है ही नहीं, और हैं तन्हा अकेले। हो सकता है कुछ लोग डरें, कुछ लोगों के लिए एक एडवेंचर हो सकता है, क्या एडवेंचर है, मजा आ रहा है। अब जंगल में से गुजरते वक्त शाम हो गई, अंधेरा हो गया और अंधेरा बढ़ा, जब अंधेरा और गहरा हो जाए तो अब बहादुरी का ढोंग नहीं चलेगा, अच्छे अच्छे दिल वालों को डर लगने लगता है। डर की चीजें अलग हैं, कोई भूत प्रेत से डरता है, कोई जंगली जानवरों से डरता है, डकैत आ सकते हैं, डाकू, डरने की चीजें अलग अलग हैं। रात का अंधेरा इतना गुप्त, दूर तक बस्ती नहीं है, बिल्कुल तन्हा है, कोई है ही नहीं साथ में, सन्नाटा है और कुछ नजर नहीं आ रहा आसपास, तो डर लगता है ऐसे माहौल में। अगर ऐसे माहौल के अंदर नजर आ रहा है बीच में हल्का सा, अगर ऐसे माहौल में कोई और साथ में भी हो, एक बच्चा है इस वक्त साथ में इस पिक्चर में, ऐसे माहौल में एक बच्चा भी अगर साथ में हो, छोटा सा बच्चा, तो डर कम हो जाता है। ये ह्यूमन साइकी है, नफ्सियात इंसानी, बच्चा तो लायबिलिटी है, जिन चीजों से डर रहे हैं उनमें से कुछ आ गई तो बच्चे को बचाएं या खुद बचाएं, अकेले होते तो बचना फिर भी कुछ मुमकिन था, बच्चे के साथ तो बिल्कुल मुमकिन नहीं बचेगा, तो बच्चा तो गले पड़ जाने वाली चीज है, डर बढ़ जाना चाहिए, बच्चे के साथ से भी डर कम होता है। ये इंसानी नफ्सियात है, एक मजबूर बेसहारा और लायबिलिटी के भी साथ में होने से डर कम होता है, तन्हाई खत्म होने से डर कम होता है, ये इंसान की नफ्सियात में है। जब बच्चे के साथ से डर कम होता है तो अगर आप कायनात के मालिक को साथ में ले लें तो फिर डर नहीं बचेगा। तन्हाई के अंदर कोई साथ में हो तो वह हमेशा रीअश्योरिंग बात होती है, कोई साथ में हो जाए तो एक तस्कीन और तसल्ली होती है। जो पूरी कायनात का मालिक है उसे अगर साथ में ले लें, अल्लाह को साथ में ले लीजिए अपने, डर खत्म हो जाएगा, जिंदगी के हर शोबे से डर खत्म हो जाएगा। और दो चीजें खत्म होंगी, एक डर एक गम, कुरान ने ये दो चीजें बताई, ये तबाह कर रही है इंसान को, हर इंसान को, हर इंसान की जिंदगी में है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कहा, खौफ नहीं बचेगा, रंज नहीं बचेगा, ये दो चीजें हर इंसान को रोज हर लम्हे कत्ल कर रही है, मार रही है, तबाह कर रही है। फियर और खौफ, खौफ बाहर से आता है, फ्यूचर की, मुस्तकबिल की एक ऐसी चीज, अभी हुई नहीं है, आगे होने वाली, उसे इंसान तसव्वुर करता है और उसके नतीजे से डरता है, इसे खौफ कहते हैं। ये बाहर की आउटसाइड एजेंसी है, एक्सटर्नल थ्रेट, कहीं छापा नहीं पड़ जाए,
कहीं वो फला आदमी हमला नहीं कर ले, मेरे खिलाफ वो साजिश हो रही है, मुझे ये जो चीजें हैं खौफ, अभी हुआ नहीं है, हो सकता है नहीं हो, लेकिन आपका खून जलना शुरू हुआ, आपका बीपी हाई होना शुरू हुआ, आपके आसाब नर्व कमजोर होने शुरू हुए, लगातार फियर में जी रहे, वो हुआ नहीं है, अभी हो सकता है हो ही नहीं। तो फ्यूचर में एक इवेंट, एक वाकया मुस्तकबिल का जो अभी हुआ नहीं है, उसके अंजाम से जो कैफियत पैदा हो रही है उसे डर कहते हैं, और रंज अंदर से आता है, हुज्न, जो हमारी बेइतदालियां हैं उसके नतीजे में, जो उसके रिजल्ट के नतीजे में जो परेशानियां हो सकती हैं, वो अंदर से दिल घोटती हैं, वो अंदर से पैदा होता है, अंदरूनी कैफियत है रंज, खौफ बाहर से आता है, ये दोनों मिलके इंसान को हर वक्त मार रहे हैं, आप में से लोग खत्म कर रहे हैं आपको, तरह तरह के खौफ हैं, तरह तरह के रंज हैं, रोज ये बीपी बढ़ाते हैं, ये हार्ट अटैक लाते हैं, ये एंग्जाइटी लाते हैं, ये डिप्रेशन लाते हैं, ये क्रिएटिव सलाहियतें खत्म कर देते हैं, तामीरी सलाहियतें खत्म कर देते हैं, अगर ये खत्म हो जाए तो आपकी तामीरी सलाहियतें, क्रिएटिविटी बेपना बढ़ जाए, अगर ये खत्म हो जाए खौफ और गम बेपना बढ़ जाएगी, क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाएगी, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है अल्लाह साथ में, सोच कर नहीं, सबकॉन्शियस माइंड से आता है, और जब उसका साथ में है तो वो दे, कोई बड़ा साथ में ना, मुझे फिक्र क्या है, ये साथ में चल रहे हैं ना, डीआईजी साहब साथ में चल रहे हैं, मुझे क्या डर है, तो जो सारी कायनात का मालिक है, जिसके हाथ में सब कुछ है, मुझे परेशानी क्या है, वो साथ में है, ये सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है, सारे खतरे खत्म, आगे के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, तामीरी सलाहियतें बढ़ जाती है, निगेटिविटी खत्म हो जाती है, जो किल कर रही है हर एक को खत्म कर रही है हर वक्त, वो खत्म हो जाती है, ये सब नमाज से होता है, जिंदगी की, इसी जिंदगी की कामयाबियां और तरक्कियां, ये सिर्फ सब सलाह से होता है, बशर्ते कि वो दुरुस्त हो जाए, समाज के लिए रहमत बन जाता है, ये इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी चीज थी वो, तो इनको ये मैंने इतनी लंबी आपको समझाई तफसील, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की एक फैकल्टी है, उसके जो फैकल्टी थे सुनील हांडा साहब, कृष्णकांत साहब जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनके दामाद और खुद बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वहाँ के, और बहुत बड़े एजुकेशन, बहुत से उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, उनसे एक मेरी चांस मुलाकात हुई थी, इत्तेफाक से यही कुरुक्षेत्र के रास्ते के अंदर, ये इनके उसके अंदर जाते में इनका प्रोग्राम था स्वाध्याय परिवार का, वो भी जा रहे थे, उनसे एक चांस मुलाकात हुई, उसमें कुछ बातें आई नमाज के बारे में, उन्होंने नोट करना शुरू की, पूछना शुरू किया मुझसे बहुत कुछ, मैंने उनको ये बातें बताई जो आपको बताई थी, रास्ते में एक जगह हम रुके कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, कहने लगे वहां आईआईएम में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में एक स्लॉट एक विजिटिंग प्रोफेसर का खाली है, आप पसंद करेंगे कि मैं आपको बुलाऊं? मैंने कहा मैंने मैनेजमेंट की एबीसीडी भी नहीं पढ़ी, आप मुझसे वहां बुलाने को कह रहे हैं जहां दुनिया के बड़े एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, छोटे मोटे क्या इंडियन एक्सपर्ट का तो गुजर भी नहीं है आज, छोटे मोटे का वहां एशिया का प्राइम इंस्टीट्यूट है, और मैंने कहा कि मैंने तो मैनेजमेंट की एबीसीडी, कहने लगे नहीं आपके पास वो चीजें जो हम अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, तो मैंने कहा आप समझ रहे हैं तो ठीक है, मुझे क्या इतराज है, उन्होंने मुझे डेट दी, फला डेट को लेक्चर है, आपकी दो क्लासें फला फला तारीख को हैं, मेरे पास ये स्लॉट खाली था, आप कहें तो मैं आपका नाम फिल कर दूं, जब पहली मर्तबा मैं गया, उसके बाद 15 साल तक चला सिलसिला, जब मैं पहली मर्तबा वहां गया तो उन्होंने स्टूडेंट्स का से मेरा तारुफ कराया, उसमें सब हिंदू थे, मतलब सब नॉन मुस्लिम्स थे, क्लास में वो खुद भी थे, एशिया का सबसे प्राइम इंस्टीट्यूट है वो मैनेजमेंट का, उन्होंने क्लास का नाम था उसकी वर्कशॉप फॉर एंटरप्रेन्योर्स मोटिवेशन, तो वो खड़े हुए पहले मेरा पहली मर्तबा मेरा तारुफ कराने को स्टूडेंट्स से, उन्होंने कहा ये तारिक भाई के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता ये कौन है, मुझे ये मालूम है कभी कभी ये अहमदाबाद आते हैं, क्यों आते हैं, इनका मकसद क्या है ये मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी इनसे एक मुलाकात हुई थी, अब वो मुलाकात मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था, और
उससे पहले मैं मुसलमानों और इस्लाम से बड़ी सख्त नफरत करता था, सिर्फ नाम से ही दिल में नफरत के जज्बात आते थे। उस दिन, उस एक दिन में वो 180 डिग्री पे बदल गया, वो उस एक दिन में वो सब कुछ बदल गया। उसके बाद उन्होंने उसकी तफसीलात नहीं बताई। उसके बाद उन्होंने एक बात कही कि मैं इस अपने सब्जेक्ट पे तारिक भाई जो कुछ भी कहेंगे, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन्होंने मुझे कुछ नमाज के बारे में बताया था वो आप लोगों को बताएं। अब मैं वहां पे गया हूं आईएम के अंदर, आईएम के लेक्चर के अंदर, मैं अपनी तरफ से कुछ घुमा फिराकर कुछ थोड़ा बहुत लाता अगर गैर महसूस तरीके पे, उसकी जरूरत ही नहीं थी मुझसे। मुझे उन्होंने ऑफर दिया कि मेरी ख्वाहिश ये है कि आप इनको नमाज के बारे में जरूर बताएं जो मुझे आपने बताया था। और फिर एक अजीब बात कही उन्होंने अपने स्टूडेंट से, उन्होंने कहा मैं समझता हूं कि मुसलमानों के बस की नहीं है नमाज, मुसलमान चाहे नमाज ना पढ़ सकें, नमाज ना अदा कर सकें, आप लोग समझ लीजिए और आप लोगों को नमाज अदा करना चाहिए। तारिक भाई से आप समझ लीजिए और नमाज आपकी चीज है, नमाज मुसलमानों के बस की नहीं है। उनका ये मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स की चीज है, आपकी कामयाबियों की जमानत है। उसे वो आदमी, उसने थोड़ी सी देर में मुझसे सुनने के बाद वहां पर ये आईएम के स्टूडेंट के सामने कह रहा है वो ये बात, मुसलमान कामयाब नहीं हो रहे कहीं, अल्लाह ने जो कामयाबी की जमानत दी थी। इससे टुकड़े निकालकर उन्होंने आपको बताया था, इन्होंने मुसर्रत साहब ने, ब्रह्म कुमारी वालों ने ले लिया। ये एक बड़ा स्ट्रांग प्रोसेस है हाइपनोटिज्म और सेल्फ हाइपनोसिस का, ऑटो सजेशंस का, जिसमें आप जब सब तरफ से कट जाते हैं तो एक ट्रांस की हालत में आ जाते हैं। उसे ट्रांस कहते हैं साइकोलॉजी में, खुद को ऑपरेट करके, कोई दूसरा नहीं कर रहा, आपने अपने आप को सब तरफ से काटा है। उस हालत में अगर कोई आउटसाइड सजेशन आते हैं या इनर ऑटो सजेशन अपनी तरफ से, हम अंदर से एक तिलावत कर रहे हैं, मीनिंग मालूम होना चाहिए जरूरी है, तो फिर वो चीज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिलीफ, अपने ख्यालात और अकायद का जुज ऐसा बनती चली जाती है कोई उसे खुरच नहीं सकता, कभी नहीं खुरच सकता। ये ऐसे जिंदगियां फिर उससे बदलती हैं, ये बहुत स्ट्रांग प्रोसेस है। इस हालत के अंदर गुमराही की चीजें आए, कभी गुमराही से निकालना किसी के लिए आसान नहीं। इस हालत में सचमुच सच्चे डिवाइन गाइडेंस आ जाए, उसे कोई निकाल ही नहीं सकता अंदर से। तो अब नमाज में मुश्किल कह रहा था, पहले ये मश्क कि ये प्रैक्टिस कि आप सब तरफ से कट सकें, इसमें कुछ दिन लगेंगे, पहले दिन नहीं हो पाएगा। सब तरफ से कटकर मुकम्मल यकसू इस पर हो गए कि वो हमारे साथ मौजूद है, अल्लाह इस वक्त यही है और इतनी बड़ी जात यहां है, वो मुझे देख रहा है। जब हो जाए तो आपने शुरू किया, अब वो बीच में स्लिप हो जाएगा, ये अगर शुरू भी हो गया था, बीच में भूल गया आपके, ये भी कंसंट्रेट है, ये बाकी रहना था नमाज, भूल इसलिए जाएगा कि अब आप और दो ही हो और तीन ना हो जाए और एक ही ना रह जाए, ये भी रहना है। ये तीनों, इन तीनों का एक साथ कोऑर्डिनेशन बहुत मुश्किल काम है। जब ये रहेगा तो वो स्लिप हो जाएगा, वो कंसंट्रेशन के इस वक्त में, वो तस्वुर हुजूरी का, वो रहेगा तो ये भूल जाएंगे कि दो सजदे किए थे या तीन किए थे, फिर ये नहीं सूरह फातिहा का मतलब जहन के अंदर हाजिर, फिर ये खत्म हो जाएगा। एक साथ दो थॉट्स ये, और फिर साथ में ये आसन का सही होना, इन तीनों की प्रैक्टिस एक बहुत मुश्किल प्रैक्टिस है, इसलिए बचपन से करवाई थी। वो होती नहीं कि गलत सीखते रहेंगे, ठीक परफेक्ट हो जाएंगे वहां तक आते आते जहां से उन पर फर्ज हुई थी। 40 दिन में यही औसत बताया था, 40 दिन में ईमान कामिल हो जाएगा अगर नमाजें ठीक हुई। चिल्ले पे जा रहे हैं नमाज का, ईमान कामिल नहीं हो रहा, नमाजें पूरी हो रही हैं, उधर तकबीर तहरीमा से नमाज पूरी चल रही है चिल्ले पर, एक चिल्ला नहीं कई कई चिल्ले हो गए, और लेकिन वो चीज नहीं आई, जिंदगी में तब्दीली नहीं आई। तो बात यह कि प्रोसीजर ही नहीं था सही, पूरी चीज ही नहीं थी। कहा 40 दिन ये एवरेज है, 40 दिन किसी के कुछ कम लगेंगे किसी के ज्यादा, 40 दिन में ईमान कामिल हो जाएगा। तो फिर उसके बाद समाज के लिए रहमत बन जाता है, ये भी फरमाया कि साथ में ये भी फरमाया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ईमान वाले की मोमिन का हर काम इबादत, खाना खा रहा इबादत, बिजनेस कर रहा है इबादत, बच्चों को प्यार कर रहा है इबादत, शौहर और बीवी एक दूसरे के हक अदा कर रहे हैं इबादत, मुसलमान बड़े खुश हैं हर चीज इबादत हो रही है। जो ऐसी
स्टेट ऑफ माइंड में, जहन की ऐसी कैफियत में जो भी काम होगा कि खुदा मौजूद है इस वक्त देख रहा है, वो इबादत ही होगी। तो जब वो कैफियत सलात कायम हो जाए तो हर काम इबादत बन जाएगा, उससे पहले नहीं। इसलिए कि वो ऐसी हालत में होगा कि हम इस वक्त उसके सामने हाजिर हैं, तो फिर हंसना और मुस्कुराना भी और मजाक करना भी और सब इबादत है, और जिंदगी के फराइज अदा करना भी। उसको साथ ले लीजिए, कभी खौफ और गम नहीं आएगा। ये कुरान की आयत है, अला इन्ना औलिया इल्ला ला खौफुन अलैहिम वला हुम। जानते हो अल्लाह के दोस्त, सुन लो, खौफ नहीं होता, गम नहीं होता। ये बहुत बड़ी नेमत है, ये दो चीजें। और ये अल्लाह के दोस्त जिसको कहा वली, ये वली बनना 40 दिन का नुस्खा है, 40 साल का नहीं। हाँ, 40 दिन आपको नहीं लगेंगे, आपको कुछ थोड़े ज्यादा लग जाएंगे। पहले जहां से आपका वो स्लिप होना शुरू ना हो, नमाज में पूरी एंड तक एहसास रहे उसकी मौजूदगी का, वहां से 40 दिन, वहां से 40 दिन।